वक्त मोहब्बत और ताल्लुक ख़रीदा नहीं जाता, लेकिन इसके खो जाने के बाद कदर और कीमत का एहसास होता है। किसी फैसले के वक्त बात अगर कुरान तक पहुंच जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं बल्कि कुरान के अंदर से पढ़ के करिए। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। मैंने एतराफ़ मोहब्बत के बाद अक्सर मोहब्बतों को फीका पड़ते देखा है। ज़िंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब आप लोगों के नज़रिए और तनकीद को नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं। अपने दुख अपने तक ही रखो, लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। ऐ खुदा, एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। औरत की सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा मर्द की गुर्बत में और मर्द की सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा औरत की बीमारी में लगाया जा सकता है। अल्फाज सिर्फ चुभते हैं लेकिन खामोशियाँ मार देती हैं। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान उसकी खुशबू से होती है। उसी तरह इंसान किसी भी रंग रूप जात या नस्ल का हो मगर पहचान उसकी इखलाक से होती है। बदकार इस्तेमाल शुदा औरत की तीन निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर एक, फहाश जहन और बद नज़र होगी। नंबर दो, हमेशा बारीक और तंग लिबास पहनेगी। नंबर तीन, गैर मर्दों की सोहबत इख्तियार करने वाली और बग़ैर हिचकिचाए उनके साथ तनहा मुलाकातें करने वाली।